बिग बॉस 16 के लेटेस्ट एपिसोड में गौतम विज को एलिमिनेट कर दिया गया है। गौतम विज के जाने के बाद सौंदर्या शर्मा खूब रोती हुई दिखाई दी। सौंदर्या ने गौतम के जाने के बाद पहला दोस्ती का हाथ टीना दत्ता और शालीन भनोट की तरफ बढ़ाया है। वह दोनों के लिए चाय बनाती हैं, जिसके बाद शालीन भनोट उन पर फिर से कमेंट करते दिखते हैं। सौंदर्या शर्मा अपनी दोस्त अर्चना के साथ बैठकर उन्हें शालीन और टीना के लिए चाय बनाने और शालीन के कमेंट के बारे में बताती हैं। इसके बाद सौंदर्या और अर्चना मास्टर प्लान तैयार करती हैं। अर्चना सौंदर्या से कहती हैं, ये दोनों कभी प्यार करते हैं, कभी भयंकर लड़ने लग जाते हैं, आखिर इन दोनों के रिश्ते का सच क्या है, सामने लेकर आना है। अर्चना सौंदर्या से कहती हैं, यह काम अब तुम ही कर सकती हो, शालीन के पास जाकर। जिस पर सौंदर्या पहले तो कहती हैं, गौतम पागल हो जाएगा बाहर, लेकिन अर्चना उसे समझाती हैं। सौंदर्या फिर हामी भर देती हैं और कहती हैं, अब समय है फायर बैक करने का। अर्चना अपना आइडिया बताते हुए कहती हैं, वह शालीन के करीब जाएं, इससे टीना जलेगी और दोनों का सच सबके सामने आ जाएगा। वहीं थोड़ी देर बाद एक बार फिर अर्चना और सौंदर्या साथ में बैठे होते हैं। तब सौंदर्या के हाथ में चाय का खाली कप होता है, जिसे आकर शालीन भनोट ले जाते हैं। अर्चना कहती हैं, इसे करने दे, तू अभी ध्यान मत देना। वैसे आपको बता दें, शालीन भनोट और टीना में फिलहाल झगड़ा चल रहा है। शालीन जिस तरह से कई बार रिएक्ट कर जाते हैं, वह टीना को पसंद नहीं आता। तो वहीं अब सौंदर्या की एंट्री होने पर शालीन एक बार फिर से टीना और सुम्बुल का हाथ छोड़कर सौंदर्या की तरफ फिसलते दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।